नमस्कार दोस्तों, आप सभी को देवशयनी आषाढ़ी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, आषाढ़ी देवशयनी एकादशी व्रत पर इस ज्ञानवर्धक वीडियो में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम आषाढ़ी देवशयनी एकादशी से जुड़े महत्व अनुष्ठान और आशीर्वाद के बारे में विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे। इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम इस ज्ञानवर्धक पवित्र दिन की गहरी जड़ों से परंपराओं और अनुष्ठानों का पता लगाने वाले हैं। दोस्तों, आषाढ़ी देवशयनी एकादशी, जिसे आषाढ़ी एकादशी या देवशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण हिंदू धर्म का उपवास दिवस है, जो हिंदू धर्म में हिंदू महीने में आषाढ़ी के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन एकादशी को पड़ता है। यह शुभ दिन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भक्तों द्वारा बड़ी भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, तो आइए जाने आषाढ़ी एकादशी, आषाढ़ी देवशयनी एकादशी के महत्व के बारे में। आषाढ़ी देवशयनी एकादशी से चतुर्मास नामक पवित्र काल की शुरुआत में होती है, जो 4 महीने तक चलती है। चतुर्मास को विवाह जैसे कई शुभ कार्यों के लिए अशुभ समय माना जाता है, क्योंकि यह मानसून के बारिश के मौसम के साथ मेल खाता है। माना जाता है कि इस अवधि के दौरान भगवान विष्णु दूध के ब्रह्मांडीय सागर, जिसे क्षीर सागर के नाम से जाना जाता है, आदिशेष नाग पर विश्राम करते हैं और सोते हैं। इस दौरान भक्त भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए उपवास रखते हैं और इस विभिन्न धार्मिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। दोस्तों, अब जानेंगे एकादशी व्रत का अनुष्ठान के बारे में। एकादशी के व्रत के अनुष्ठान के बारे में, जिसमें सबसे पहले है अनुष्ठान। सबसे पहले है अनुष्ठान। अनुष्ठान में होता है उपवास। आषाढ़ी देवशयनी एकादशी पर भक्त कठोर उपवास रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन उपवास करने से शरीर और मन की शुद्धि होती है और आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है। दोस्तों, कुछ भक्त निर्जला व्रत रखते हैं, जबकि अन्य फूल फल दूध और विशिष्ट शाकाहारी खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। दोस्तों, दूसरा है पूजा और आराधना। भक्त विष्णु मंदिरों में जाते हैं और भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, उनका आशीर्वाद मांगते हैं। वे विस्तृत अनुष्ठान करते हैं और देवता को फूल फल दूध और दीपक चढ़ाते हैं। इस दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करते हैं और भक्ति भजन गाना आमतौर पर किया जाता है। तीसरा है जागरण। कई भक्त मंदिरों या अपने घरों में रात भर जागरण में लगे रहते हैं। वे प्रार्थना में भजन भक्ति गीत गाते हुए और भगवान विष्णु से संबंधित ग्रंथों का पाठ करते हुए रात बिताते हैं। दोस्तों, चौथा है दान और अच्छे कर्म। आषाढ़ी देवशयनी एकादशी के दिन और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए एक शुभ दिन अवसर माना जाता है। भक्त अक्सर कम भाग्यशाली लोगों को भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक चीजें दान करते हैं और माना जाता है कि इस तरह के कृत्य आशीर्वाद और आध्यात्मिक विकास लाते हैं। पांचवा है धर्म ग्रंथों को पढ़ना और सुनना। भक्त अक्सर भगवान विष्णु से जुड़े पवित्र ग्रंथों की कहानियां, जैसे भगवान भक्त गीता और विष्णु पारायण को पढ़ना या सुनने में समय बिताते हैं। इससे उनकी आध्यात्मिकता समझ को गहरा करने को मदद मिलती है और उनकी भक्ति मजबूत होती है भगवान विष्णु के प्रति। छठा है उपवास कथा। आषाढ़ी देवशयनी एकादशी के महत्व और पालन को अक्सर व्रत कथा, भगवान विष्णु के विश्राम से संबंधित कहानी
और इस दिन उपवास के महत्व के माध्यम से समझाया जाता है। यह कथा भक्तों को एकादशी व्रत से जुड़ी परंपरा और अनुष्ठानों का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों दोस्तों ये था अनुष्ठान। अब हम जानेंगे एकादशी व्रत का लाभ और आशीर्वाद। माना जाता है कि आषाढ़ी देवशयनी एकादशी का पालन करने से कई लाभ और आशीर्वाद मिलते हैं, जिनमें शामिल है आध्यात्मिक शुद्धि और विकास, पापों और नकारात्मक कर्मों का नाश, शांति, समृद्धि और सुख प्राप्ति, बुरे प्रभावों और बाधाओं से सुरक्षा, स्वास्थ्य और खुशहाली में सुधार, सौहार्दपूर्ण पारिवारिक जीवन के लिए आशीर्वाद, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति और भक्ति। आषाढ़ी देवशयनी एकादशी हिंदू आस्था में बहुत महत्व रखती है दोस्तों, क्योंकि यह भक्तों के लिए भगवान विष्णु से जुड़ने और उनका दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने का एक अवसर है। दोस्तों माना जाता है कि इस दिन किए गए दिव्य उपवास, प्रार्थना और अनुष्ठान भक्तों के जीवन में आध्यात्मिक उत्थान, शांति और समृद्धि लाता है। दोस्तों आषाढ़ी देवशयनी एकादशी व्रत पर यह ज्ञानवर्धक वीडियो हमारा यह ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इससे आपको इस पवित्र दिन से जुड़ी परंपराओं और रीति रिवाजों को अपनाने के लिए प्रेरित किया होगा। दोस्तों आपकी भक्ति और पालन आपके लिए प्रचुर आशीर्वाद और पूर्णता लाए आपके जीवन में। एक बार फिर आप सभी को इस आषाढ़ी देवशयनी एकादशी की व्रत की खूब सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ओम विष्णु शस्त्र नामाय नमः।